हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो स्वागत करता हूँ आपका और एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कबड्डी की टूर्नामेंट बहुत ही जोर शोर से पूरे इंडिया में हो रहे हैं। ये मंथ के एंड में एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप होने वाली है साउथ कोरिया भूसान में। अभी जस्ट लास्ट वीक ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ख़त्म हो गए, जिस कबड्डी की टूर्नामेंट जोर शोर से हुई। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट थी। प्रो कबड्डी के बहुत बड़े बड़े स्टार थे उस टूर्नामेंट में। बॉयज़ की फाइनल जो है वो गुरुकाशी यूनिवर्सिटी ने मारी, एंड गर्ल्स की टीम की बात करेंगे तो गर्ल्स की जो फाइनल हुई वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हरा के विन कर लिया। और अभी दिल्ली में 6 जून से 12 जून के बीच में दिल्ली में 66 अंडर 19 स्कूल नेशनल्स होने वाले हैं, उसमें सब स्टेट पार्टिसिपेट करेंगी। महाराष्ट्र का भी स्क्वाड डिक्लेयर हो चुका है, तो आपको बताता हूँ महाराष्ट्र के टीम में कौन से प्लेयर है, कौन से प्लेयर को चांस मिला है जो अंडर 19 नेशनल स्कूल कबड्डी चैम्पियनशिप खेलेंगे। तो आपको बताता हूँ कौन सा वो स्क्वाड है, कौन से प्लेयर सिलेक्ट हुए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कौन से प्लेयर सिलेक्ट हुए महाराष्ट्र बॉयज़ की टीम में। महाराष्ट्र का जो पहले प्लेयर है वो है दादासो पुजारी। कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कबड्डी प्लेयर है, बहुत अच्छे राइट कॉर्नर डिफेंडर है। हरिद्वार में जो जूनियर नेशनल हुआ था उसमें महाराष्ट्र के कैप्टन थे, फेडरेशन कप भी खेला हुआ इन्होंने। और रिसेंटली की बात करेंगे तो युवा पल्टन के लिए खेलते हैं, जो पुनेरी पल्टन की व्यावसायिक टीम है उसके लिए खेलते हैं, रेगुलर राइट कॉर्नर लगाते। तो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल डिफेंडर है, इनको मैंने देखा हुआ खेलते हुए। अच्छे अच्छे प्रो कबड्डी स्टार को इन्होंने टैकल लगाए हुए, तो इनके उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे महाराष्ट्र टीम को होगा, क्योंकि दादासो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल डिफेंडर है और बहुत ही कम एज में, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के रहेंगे वो, लेकिन बहुत ही अच्छे टैकल लगाते, एकदम मैच्योर कबड्डी पर्सन है। तो देखते कैसे यहाँ पर वो टैकल करते हैं, महाराष्ट्र टीम को अपने एक्सपीरियंस का कैसा फ़ायदा पहुँचाते, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है साहिल पाटिल। भी कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे राइट रेडर है, बहुत ही ज़बरदस्त स्किल्स है उनके पास, जंप बहुत अच्छा करते, टो टच बहुत अच्छा करते। कोल्हापुर के लिए युवा सीरीज़ भी खेल चुके, कोल्हापुर के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल चुके हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास स्टेट लेवल गेम खेलने का, नेशनल गेम खेलने का। तो उनके वो एक्सपीरियंस का ज़रूर महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र की टीम आगे तक खेल सकती है अगर इनका रेडिंग में परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगा। तो देखते हैं साहिल पाटिल कैसा परफॉर्म करेंगे महाराष्ट्र के लिए इस टूर्नामेंट में। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है वैभव रावड़े। भी कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल कबड्डी प्लेयर है, कोल्हापुर के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल चुके हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के कैप्टन भी थे वैभव, और बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, अच्छे डिफेंडर है और यूज़फुल रेडर है, रेड्स भी अच्छे करते हैं। तो इनके एक्सपीरियंस का ज़रूर महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा और वैभव अच्छा परफॉर्म करेंगे महाराष्ट्र के लिए। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि वैभव कैसा परफॉर्म करेंगे इस टूर्नामेंट में। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है अनुज गावड़े की बात करेंगे। अनुज गावड़े पुणे से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पावरफुल लेफ्ट कवर डिफेंडर है, बहुत अच्छा टैकल लगाते, बहुत अच्छा डैश और ब्लॉक बहुत अच्छा करते। अनुज गावड़े की बात करें, अनुज गावड़े भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल चुके हैं महाराष्ट्र के लिए, पुणे के लिए युवा सीरीज़ खेल चुके, तो इनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है स्टेट लेवल एंड नेशनल मैचेस खेलने का, तो उनके एक्सपीरियंस का ज़रूर फ़ायदा होगा और अनुज गावड़े बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस टूर्नामेंट में, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है राहुल वाघमारे की बात करेंगे तो राहुल वाघमारे चेतक स्पोर्ट्स क्लब बालेवाड़ी पुणे के लिए खेलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है, बैक होल्ड बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं, महाराष्ट्र के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल चुके और मैंने बहुत सारे मैचेस में उनको खेलते हुए देखा है, जो स्टेट लेवल मैचेस होते हैं उनमें उनको खेलते हुए देखा और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते, ओपन टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते। तो उनके यही एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूर महाराष्ट्र अंडर 19 टीम को होगा और राहुल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है वरुण खंडाड़े। वरुण की बात करेंगे तो वरुण बारामती स्पोर्ट्स एकेडमी से और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वरुण। तो देखते वरुण इस टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करेंगे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है आकाश राठौड़। आकाश बहुत ही ज़बरदस्त लेफ्ट कवर डिफेंडर है, आकाश ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त करते, डैश बहुत ही पावरफुल करते,
बैक होल्ड अच्छा करते हैं, तो जो लेफ्ट कवर के पास होनी चाहिए सब उनके पास वो स्किल्स है। तो देखते इस टूर्नामेंट में आकाश कैसा परफॉर्म करेंगे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है बॉबी यादव। बॉबी यादव की बात करेंगे तो बॉबी यादव महाराष्ट्र रायगढ़ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। तो देखते कैसा परफॉर्म करते हैं इस टूर्नामेंट में, अगर उनको स्टार्टिंग जोन में खेलने का मौका मिलता है तो कैसे टैकल करेंगे, कैसे रेड करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के जो अगले प्लेयर है वो है कृष्णा जगताप। महाराष्ट्र के अगले प्लेयर है राहुल टेके। महाराष्ट्र के नेक्स्ट प्लेयर है शशिकांत धस। और महाराष्ट्र के 12वें प्लेयर है प्रणव बांगर। ये महाराष्ट्र की पूरी स्क्वाड है 12 प्लेयर्स की। अंडर 19 स्कूल नेशनल गेम्स खेलने जाएंगे दिल्ली। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर कौन से पोजीशन में खेलना चाहिए, महाराष्ट्र टीम का कितना चांसेस है स्कूल गेम्स में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर कौन सा कॉर्नर लगाना चाहिए, कौन सा प्लेयर कौन सा रेडर होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग सेवन में कौन से प्लेयर खेलने चाहिए, जो आपके स्टार्टिंग सेवन क्या होंगे, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। ये मेरा छोटा सा वीडियो था महाराष्ट्र टीम के ऊपर, बॉयज़ टीम के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे, मैचेस की वीडियोस आएंगे, नए अपडेट आएंगे कबड्डी के बारे में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। मैंने देखा है ऑलमोस्ट जो भी लोग वीडियोज़ देखते उसमें सिर्फ 10% लोग ही सब्सक्राइब करते, बाकी 90% सब्सक्राइब करते नहीं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने को कुछ जाता नहीं, आपके पैसे नहीं जाते, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करोगे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।